नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो टाइम आ चुका है जिसका लाखों लोग इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लाखों लोग कौन? लाखों लोग वो जो EPS 95 पेंशनर हैं, जो अपनी पेंशन को लेकर के, अपने हक को लेकर के जो इंतज़ार कर रहे थे, कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उनको जो पुरानी पेंशन ले रहे थे, जो कर्मचारी है, जो EPS 95 पेंशनर है, उनके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। दोस्तों, अपडेट 99% राइट इन्फॉर्मेशन है, एकदम सही अपडेट मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मैं आपके साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं करता हूँ, और अगर मैं खिलवाड़ करता तो आज लाखों की संख्या में लोग मेरे चैनल पर नहीं जुड़ते। लाखों की संख्या में मेरे लोग जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से कि आप एक मैं एक EPS 95 पेंशनरों को सब कुछ बताने के लायक और सब कुछ ध्यान रख रहा हूँ, आप तक एक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों के लिए चाहे धरना प्रदर्शन कर लो, चाहे भूख हड़ताल कर लो, चाहे रैली कर लो, चाहे कहीं पर भी मीटिंग कर लो, उसके जस्ट बाद छोटा सा एक CBT मीटिंग होता है हमेशा। मैंने 2.5 साल 3 साल तो मेरे को देखते हुए हो गए, जब भी कोई एक्शन लेते हैं उससे पहले छोटी सी CBT मीटिंग कर देते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर देते हैं। तो उससे EPS 95 पेंशनर सोचते हैं कि अब हमारे लिए कुछ ना कुछ नया होने वाला है, तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। कोई भी लोग कुछ भी करते नहीं है, जैसे कि अशोक जी ने कहा कि हम जहाँ पर भी आंदोलन करते हैं वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि लोगों को ये सूचना पहुँच जाती है कि अब धरना प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब EPS 95 पेंशनर को इतने दिन बाद में पेंशन मिल जाएगी, ये हो जाएगा, तो वो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा झटका लग जाता है। तो EPS 95 पेंशनरों के लिए आज की इस वीडियो में बड़ी अपडेट ये है कि दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों को पेंशन 7500+ DA को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो कि 1 तारीख को इस पर अमल निर्णय लेने की बात कही जा रही है। साथ ही में EPFO है, वो ये दाखिल करता है कि हमारे पास सिर्फ पेंशन जिसका योगदान है उस योगदान के अनुसार ही हम पेंशन देंगे, जैसे कि 3,000 रुपये, 7500 रुपये, 5,000 रुपये या फिर 9,000 रुपये तक हम पेंशन देने वाले हैं। हाईएस्ट जिसकी पेंशन है वो 9,000 रुपये तक है, जो 95 योजना में जुड़े हैं उनकी बात है, बाकी तो पेंशन काफ़ी लोगों को तो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये भी पेंशन मिलती है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपके लिए जल्दी 2 दिन के अंदर खुशखबरी मिल जाएगी कि EPS 95 पेंशनरों के लिए आपके लिए क्या आने वाला है क्या नहीं। वेट कीजिए 1 तारीख का, मैं ज़रूर वीडियो बना करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।